probiotics और prebiotics, ये क्या चीजें होती है? ये काफी आजकल मैं सुन रही हूँ. Yes, there is a lot of demand. Parents भी पूछते रहते हैं, मैं probiotic दे दूँ, उसका gut healthy हो जाएगा. Problem क्या होती है? Parents internet से आधे-आधे पढ़ लेते हैं. जैसे ये word जो आपने पूछा ना, वही उठाते हैं. Leaky gut उठा लिया, probiotic उठा लिया. So probiotic simple language में ऐसे होता है जो हमारे environment, अपने biosis जो है stomach के, उसको अच्छा रखता है. It's good bacteria for the stomach. Okay. Prebiotic is a food for this good bacteria. Okay. Simple. Now probiotic is required ताकि हम अपना gut health अच्छा रहे. अच्छा मतलब हम जो खाए अच्छे से digest करें and system is working fine. सो प्रोबायोटिक की ज़रूरत है. लेकिन पहले तो हम ये सब नहीं लेते थे, क्योंकि हमारा इंडियन क्विजीन जो है इस प्रोबायोटिक रिच. इडली इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, ढोकला इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, कर्ड. आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया में जाओ, सब दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, लस्सी पीते हैं, एंड वी टेक इट विथ फूड, राइट? सो इट वॉज नेवर नेसेसरी इन इंडिया टू हाईलाइट प्रोबायोटिक खाना चाहिए. गर्मी में हम कर्ड ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इट इज़ गुड फॉर द गट फ्लोरा. यस, ठंडक मतलब गट फ्लोरा को अच्छा रखता है, राइट? विंटर में फ्रेश कर्ड लेते हैं. फर्मेंट जब भी फूड होता है, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली ढोकला वगैरह जो होते हैं, दे आर वेरी गुड प्रोबायोटिक. तो हमारे खाने में आपके कहने का मतलब ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स है ही, तो हमको अलग से ऐसे प्रोबायोटिक्स लेना इतना जरूरी नहीं है. इतना जरूरी नहीं है अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड. जैसे बच्चा अगर दही नहीं खाता है, सो समवेयर इफ आई हैव समबडी ऑन अ केसिन फ्री डाइट, देन यस प्रोबायोटिक कैन बी यू नो थॉट अबाउट, राइट? एंड अभी जैसे बहुत लोग इडली काटा घर में नहीं बनाते, बाहर से लेके आते हैं. वो सेमी फर्मेंटेड है, फुल फर्मेंटेड है, इनो डाल के फर्मेंट किया है. वी रियली डोंट नो वेदर इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, दैट इज़ वाई आज के तारीख में वी वॉन्ट टू नो कि प्रोबायोटिक एडिशनली देना है कि नहीं. देर आर रेडीमेड फूड्स फॉर इट. तो अगर हम खुद घर पर बना रहे हैं, हमको पता है क्या है जी, बिल्कुल. और हम जो नॉर्मल कर रहे हैं तो वो उसमें ऑलरेडी प्रोबायोटिक मिल रहा है. यस, इफ़ यू सी द इंडियन बैलेंस्ड डाइट, हम बोलते हैं सुबह दूध ले लो, दोपहर को दही खाओ, रात को शाम को दही खाओ, बीच में छाछ पी लो, रात को सोने के पहले दूध पी लो. सो वी हैव अ बैलेंस्ड वे ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक. ओके, राइट? ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. इट इज़ मोर फॉर द वेस्टर्न कल्चर जो योगर्ट कभी एक आध बार ब्रेकफास्ट में खाते हैं, फ्रूट योगर्ट खाते हैं या तो हम सिर्फ उनको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वो वर्ड्स, हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे. एग्जैक्टली. अगर और लाइक टुडे विद बच्चों के टेंट्रम्स जैसे होते हैं खाने पीने के, दही नहीं खाना है, खट्टी हो गई है, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे चीनी डाल के चाहिए, यू नो विथ ऑल दैट, उतना करने से जब शायद बच्चा दही छोड़ दे, राइट? बट एज अ पेरेंट अगर हम एम्फसाइज कर सके, दिन में दो बार एक ही कटोरी दही खाओ, हफ्ते में एक आध बार फर्मेंटेड फूड्स खा लो, सो इट इज़ इट कैन बी टेकन केयर ऑफ ऑन अ रेगुलर बेसिस. येस, वेन वी स्पीक अबाउट ऑटिज्म और एन अंडरलाइंग कंडीशन, वी हैव टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू इट. वी हैव मिसेस प्रिया करकेरा विद अस टुडे. शी इज अ पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट. शी हैज अ good 20 years experience and she's specialized in pediatrics since the last 10 years. We have asked a lot of questions to her. Keep watching this channel to learn more. Thank you.